Sri Arjun Meghwal to continue. धन्यवाद सभापति जी. You'll get later, please. नहीं क्या इंट्रोडक्शन रह गया क्या आपका? इंट्रोडक्शन रह गया इनका. You continue, please. धन्यवाद सभापति जी. मैं पिछले सत्र में जो ये बिल था सोशल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन बिल 2012 जेपी अग्रवाल जी द्वारा जो लाया गया था उस संबंध में मैं बोल रहा था. और मैं सभापति जी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भौतिकवादी युग के कारण हम ये देखने लग गए कि हमारे माँ बाप अब हमारे किसी काम के हैं या नहीं. और ये जो मैटरियलिस्ट अप्रोच हुई है उसके कारण ही सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ हुई. मैं आपको सुना रहा था कि कोई अधिकारी बन गया था और जब किसी ने पूछा भाई तुम कैसे बने तो उन्होंने कहा मैं मेरी मेहनत से बना. और हमने उनको कहा कि नहीं तुम्हारे माँ बाप ने भी इसमें मदद की है तो उन्होंने कहा नहीं हमारे माँ बाप की इसमें कोई मदद नहीं है. मैं ये सुनाना इसलिए चाह रहा था बाप. मैंने उस अधिकारी को बोला कि जब तुम 5 साल के थे और जब तुम्हें स्कूल में जाना था या तुम्हें कोई और खेत का काम करना था या मजदूरी करनी थी ये सोच तुम्हारे में विकसित नहीं हुई थी उस समय, तो उस समय स्कूल में भेजने का काम तुम्हारे माँ बाप ने किया जिसके कारण तुम पढ़ लिख करके इतने बड़े अधिकारी बने. इसलिए माँ बाप के फर्ज को भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता. हमारी संस्कृति महान थी इसलिए माँ बाप के फर्ज को बहुत ऊंचा फर्ज माना गया. इसलिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं किया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. देश आज़ाद हो गया उसके बाद हम भौतिकवादी युग में जीने लग गए. अन्य देशों में ये प्रॉब्लम थी सीनियर सिटीजन्स को रखने की तो उन्होंने बहुत गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके कोई ओल्ड एज होम बनाए, फ्री मेडिकल कैंप लगाए, उनका यूज किया. लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो मैन पावर है जो 60 साल के आसपास और कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बड़ी है 70-80 साल तक लोग जीने लग गए हैं, लेकिन जब उनकी दुर्दशा होती है तो समाज के लोग सोचते हैं कि सरकार क्या करती है, सरकार को भी कोई इंटरवेंशन करना चाहिए. जब बच्चे माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये पीड़ा हर किसी को भी होती है. लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी को ये पीड़ा हुई और ये बिल लेके आए, इसलिए मैं जयप्रकाश अग्रवाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने माँ बाप को संभाल रहे होंगे, संभाला होगा. लेकिन अन्य लोग जो अपने माँ बाप को नहीं संभाल रहे हैं उनकी पीड़ा जयप्रकाश अग्रवाल जी को हुई, जिसको परोपकार की भावना कहते हैं भारतीय संस्कृति में, फिलैंथ्रोपिक अप्रोच जिसको बोलते हैं. ये जो अप्रोच जयप्रकाश अग्रवाल जी के कारण हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश को ये बताना चाह रहे हैं कि जो ओल्ड हो गए हैं वो कोई बिना काम के रह गए हैं, ये ऐसा नहीं है. कभी हम कहते थे ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि अब तो क्या काम के आप बुजुर्ग हो गए, अब आप भगवान भजन करो, खाना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, ऐसे कई संकट आए. मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं. एक इनकम टैक्स के बड़े कमिश्नर थे, उन्होंने हमारे राजस्थान में जयपुर में एक छापा मारा तो उनको पता चला कि नीचे भी कुछ है. जब वो नीचे गए तो गोडाउन मिला तो उसमें दो बूढ़े और बूढ़ी, दो पेरेंट्स उनके, जो बहुत बड़ा आदमी था जिसपे रेड पड़ी उसके दोनों पेरेंट्स, वो जेम्स ज्वेलरी का काम करते थे, दोनों पेरेंट्स एक दिन नीचे अंडरग्राउंड में रह रहे थे. तो उनको पूछा भाई आप कितने दिन से रह रहे हो, तो बोला हमें तो 20-25 दिन हो गए. तो बोला खाना तो ये जो सूखी रोटियां हैं उससे ही हम काम चलाते हैं. तो बोला आपकी ये हालत, बोला हमारी ये हालत, आप मानेंगे नहीं. उस कमिश्नर ने बाद में जयपुर में एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बनाया है. तो ऐसे काम करते करते भी लोगों में प्रेरणा आती है और उनको लगता है कि देखिए किस तरह की
हम सामाजिक रचना करने जा रहे हैं, तो जो ये जो बिल आया है प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन, इसमें इन्होंने कम से कम सरकार से 700 करोड़ रुपए मांगे। इनकी जो फाइनेंशियल इन्होंने एलोकेशन माना है 700 करोड़, और 700 करोड़ में विशेष रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि फ्री मेडिकल एंड अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल इंक्लूडिंग रिइंबर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन मेडिसिन। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो रिटायर होने के बाद उनको मेडिकल एड मिलती है, लेकिन उसमें बहुत से हॉस्पिटल उसमें पैनल में नहीं होते। मेरा ये कहना है कि उनके प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इलाज हो, ये उन्होंने सारे सीनियर सिटीजन को कहा, अधिकारियों कर्मचारियों नागरिकों सबके लिए कहा है, लेकिन एक तो उसकी एज निश्चित होनी चाहिए। मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ तक चार्जेस, रेलवे कुछ PSU 58 साल को सीनियर सिटीजन मानते हैं, कुछ लोग 60 साल को सीनियर सिटीजन मानते हैं, कुछ लोग 65 साल को सीनियर सिटीजन मानते हैं, ये विजय बहादुर सिंह जी बैठे हैं वो जज तो 70 साल को सीनियर सिटीजन मानते हैं, 70 साल तक रिटायर ही नहीं होते हैं। तो सीनियर सिटीजन की एज निर्धारित होनी चाहिए कि क्या एज, रेलवे कहां से कंसेशन शुरू करेगा, बैंक कहां से इंटरेस्ट फ्री लोन देना शुरू करेगा, इनकम टैक्स की रिबेट सीनियर सिटीजन में कब से कौन सी एज से शुरू होगी, ये एज जो है वो निश्चित होनी चाहिए सीनियर सिटीजन की। तो ये एक बिंदु शायद मेरे ख्याल में इनसे छूट गया था तो मैं कहना चाह रहा था। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, इन बिल में सारा मैंने देखा, इन्होंने सिंपोजियम सेमिनार करने के लिए भी इन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन का उपयोग हो सकता है। मेरा इसमें ये कहना है कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या जो अब हुई है इस समय भौतिकवादी होने के कारण, करेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं होते। हम स्कूलों में भी करेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं देखते। किसी जमाने में बाल सभा होती थी, पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल करेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं होते। तो क्यों नहीं हम इस सीनियर सिटीजन की, इतनी बड़ी फौज है हमारे पास 60 साल 70 साल जो हेल्दी हैं ठीक हैं पढ़ा सकते हैं, उनको चरित्र निर्माण के कार्यक्रम में लगा दें, योगा और प्राणायाम के कार्यक्रम में लगा दें, सिंपोजियम सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज करें, कुछ गवर्नमेंट TED दे दें उनको तो वो फ्री जाकर के पढ़ाएंगे। ऐसा सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, हर सीनियर सिटीजन तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन है जो पढ़ाते हैं। एक विजय बहादुर सिंह जी एक इलाहाबाद की कहानी भी सुना रहे थे कि एक इलाहाबाद में एक कॉलोनी है जिसका नाम रख दिया था पुराने जमाने में ICS ऑफिसर रिटायर होने के बाद वहीं बसते थे, तो अब वो ICS ऑफिसर रिटायर होने के बाद उसको कोई संभालता नहीं, बच्चे कहीं और चले गए, वो अकेला तो गेट में खड़े खड़े देखा करता था कि कोई आ रहा है क्या मेरे से मिलने, कोई नहीं आता था तो पागल हो गया। ICS और उसको कोई मिलने नहीं आवे, जैसे कोई नेता और टिकट नहीं मिले और हार जावे उसके बाद कोई मिलने नहीं आवे तो वो पागल हो सकता है। तो उसको कोई ना कोई काम मिलना चाहिए, उसकी क्या योग्यता है उसके आधार पर सेग्रीगेशन करके उसको कोई ना कोई काम मिलना चाहिए, और उस काम में जो कॉन्फ्रेंस है सेमिनार है चरित्र निर्माण की जो क्लासेज हैं उसमें ये काम कर सकते हैं। मैं लास्ट में अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस देश में युवाओं का देश कहलाता है, लेकिन युवाओं के साथ साथ सीनियर सिटीजन को नेगलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। देखिए युवाओं के पास जोश है और बुजुर्गों के पास होश है, इसलिए जोश और होश का समन्वय होगा तो ये देश आगे बढ़ेगा, यही मैं कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।